मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KNS। इस वक्त मैं रामबन में हूँ, परनोत इलाके में हूँ। मैं आपको बता दूँ तो मैं उस इलाके में हूँ जहाँ पे परनोत इलाके में जो है ज़मीन धंसने की वजह से 30 से ज़्यादा मकान जो है वो डैमेज हो चुके हैं, और उन फैमिलियों के बीच में हूँ मैं। और उन फैमिलियों को जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पंचायत घर में शिफ्ट किया है, और उन लोगों से हम बात करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कटोच है जी, तो मैं परनोत में रहता हूँ। इसमें जो है मेरा मकान भी था, मैं भी यहीं पे रहता था। ये 24 से 25 घर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं रात को। अच्छा, आपके मकान, आपने मकानों से कुछ सामान बाहर निकाला? कुछ नहीं निकाला सर, आप देख सकते हैं जाके और पूछ भी सकते हैं। लोग यहाँ पहुँचे उसी वक्त मौके में, आपको कहीं और जगह शिफ्ट किया? नहीं किया, खुद उसने बेचारे ने सुबह सामान निकालने के लिए गया तो वो निकला नहीं तब तक दिस गया, और रात को किसी ने जाने नहीं दिया उधर। इन्होंने नीचे वालों की थोड़ी बहुत बचता था, इतना नहीं, हाँ दो तीन बंदे की ऊपर से निकली है ज्यादा इसकी जमीन, तो नीचे थोड़ा फर्क था पहले इसके। हाँ इतने हैं इधर, मगर शुरू से ऊपर से ही आया है सब कुछ, गिरा पहले ऊपर वाला, नहीं वो निकाल दिया आदमी और ये माल निकाल दिया, मगर सामान सारा चला गया इसका। टेंट लगा रहे थे, बारिश थी, टेंट सामान लाया उन्होंने, ऐसे पंचायत घर में बैठे हैं कुछ बेचारे, किसी किसी के घर में बैठे माल इन्होंने कहीं कहीं बांधा है बेचारों ने। घास नहीं, हम घास निकालने के लिए गए, निकला नहीं घास तो आप क्या करेंगे अगर इनकी कहीं ना कहीं आपको भी इंतजामिया के साथ टाउन देने की जरूरत है। हाँ बहुत ज्यादा है, ज्यादा शाम 5 बजे हमने देखा की रेजिडेंशियल हाउसेज में क्रैक्स डेवलप हुए, और उसके बाद एक तश्वीर सी फैल गई, क्योंकि पहले तो हमें लगा रहा था शायद कि ये मेरे घर पे हुआ, और दूसरा पड़ोसी मेरा है वो समझ रहा था कि शायद मेरे घर पे हुआ है, लेकिन जब हमने देखा कि हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, और लगभग 1 घंटे के अंदर हमने देखा कि तस्वीर ही बदल गई, यहाँ का नक्शा ही बदल गया था, यहाँ की ज्योग्राफी बदल गई थी। 24 घर अभी तक इसमें हम देख रहे हैं कि टोटली डैमेज हो गए हैं, जिनके ना तो घर किसी काम के रहे हैं, ना ही उनकी काश्त की जो ज़मीन थी जो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती थी वो किसी काम की रही है। आपने विजुअल्स में आप देखिएगा, अगर दिखाएंगे आप देख सकते हैं आपकी किस तरह की यहाँ तस्वीर है। हालाँकि इसमें अभी तक अगर हम अफेक्टेड फैमिलीज़ की बात करें, जो टोटली इस वक्त घरों से बेघर हो गए हैं, वो 24 फैमिलीज़ है। इसमें एक आश्रम यहाँ पे बना हुआ था, एक मंदिर हमारा यहाँ पे बना हुआ था, उसके साथ में हमारे पास रिसीविंग स्टेशन है जो सप्लाई करता था यहाँ के काफ़ी सारे देहात को, काफ़ी सारे इलाकों को। जो 400 KV की यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है उसके 4 टावर लगभग तो तबाह हो गए हैं, आप देख सकते हैं जो तारे हैं उनकी वो टूट गई है, और किस तरह से वो तस्वीरें तो बयां करती है, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। हालांकि उसके बाद हमारी एक उम्मीद थी एडमिनिस्ट्रेशन पे, लेकिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लेट आवर्स में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पहुँची और उन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं किए।